जैन दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो सभी लोगों को इंतजार होगा कि दिल्ली पुलिस का रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट आने की मतलब इंतजार सब कर रहे होंगे, ठीक है, एक्साइटेड होंगे। और एक चीज़ और होगी आप सभी के मन में कि हम जो डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से हमें चाहिए दिल्ली पुलिस के फिजिकल में। साथ में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ये फिजिकल के साथ ही होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? क्या हमें ड्राइविंग लाइसेंस है जब फॉर्म भरेगा तो उससे पहले का चाहिए या बाद का चाहिए? ये वाले भी डाउट होंगे, बहुत से डाउट होते हैं बहुत सारे व्यक्तियों को, तो उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस कौन कौन सा चाहिए? तो ड्राइविंग लाइसेंस है, जैसे जब आप तैयारी करते हैं ना, जैसे तैयारी कर रहे हैं आप, कर रहे हो जब, तो आप नहीं बनवाते लेकिन बाद में बनवा लेते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस है। जैसे आपके पास लर्निंग हो या कोई भी हो, जैसे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी चल जाता है, लेकिन फिजिकल के डेट के पहले का होना चाहिए। आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, उसमें लिखा है प्रॉपर कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है आपका, या तो फिजिकल के, जब फिजिकल हो रही है उस डेट से पहले का होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस। अब लर्निंग या परमानेंट होना चाहिए, लर्निंग होना चाहिए या परमानेंट होना चाहिए, दो चीजें होती हैं। तो दो चीजें मंगाई जाती हैं, या तो आप लर्निंग हो, जैसे परमानेंट नहीं है तो कभी कभी वहाँ का स्टाफ बोल देता है कि आपको लर्निंग लेके आ जाते, आपका काम चल जाता, फिर बाद में 10 दिन 12 दिन बाद जमा कर देते। लेकिन आप अभी तक, जैसे जब फिजिकल होगा उससे पहले आप परमानेंट लाइसेंस बनवा लीजिए, ये जरूर ध्यान रखें। परमानेंट लाइसेंस ही मांगा जाता है, लेकिन लर्निंग ले लेते हैं कुछ दिन के लिए, ये जरूर रखें। परमानेंट लाइसेंस चाहिए होता है, चाहे आप 2 व्हीलर का लेके आओ चाहे 4 व्हीलर का लेके आओ, दो में से कोई चल जाएगा, चाहे 4 व्हीलर का लेके आ जाओ चाहे 2 व्हीलर का, लेकिन परमानेंट चाहिए होता है। लेकिन अगर नहीं है तो काम चल जाता है, उससे हो जाता है, ठीक है। और अदर डॉक्यूमेंट की बात करें, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? जैसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है, जो भी सर्टिफिकेट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, वो लेके जाइए। और आगे जैसे आपके पास है कोई एक दो चीजें और होती हैं, जैसे कौन कौन सी, जैसे डोमिसाइल है, डोमिसाइल चाहिए होता है, एक कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का मांगा जाता है, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल दोनों चाहिए होते हैं, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का। जैसे जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट बनता नहीं है, ST OBC, जनरल का नहीं, ST OBC SC तथा EWS, तो इनके जो कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं वो केवल सेंट्रल के मांगे जाते हैं, स्टेट के नहीं लगते इनमें। और भी ध्यान रखें, इनमें भी ये डॉक्यूमेंट जो मांगे जा रहे हैं ना, वो आपकी फिजिकल की डेट से पहले के बने होने चाहिए। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जब आपके फॉर्म भरे गए थे क्रूशियल डेट है उसके बने ही होने चाहिए, बाद की भी बने हो कोई दिक्कत नहीं होती इनमें, ठीक है। और आधार कार्ड इनके साथ मांगा जाता है, फोटो भी आप लेके जाइए, तैयार करके रखिए अभी से डॉक्यूमेंट। इतने ही डॉक्यूमेंट लगते हैं, ना तो आपका पैन कार्ड लगेगा ना कुछ लगता है। तीन चार चीजें बताई कौन कौन सी मैंने, जैसे पहली चीज तो होती है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, आपके कास्ट मतलब की एजुकेशन सर्टिफिकेट, जैसे 10th 12th है, अगर आप ग्रेजुएशन भी लगाना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन की भी लग जाते हैं, ठीक है, वे हो गए। और उसके आगे आपको जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है और डोमिसाइल है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो दो ये हो गए, बस इतने ही है जो आपके पास डॉक्यूमेंट लगेंगे। इनमें मैंने बता दिया कौन कौन से कब लगेंगे, जैसे सब फिजिकल के साथ ही, जब फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल के बाद तुरंत ही, बिल्कुल फिजिकल हुआ, फिजिकल का सीधे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले जाएंगे, वहां पर आपको डॉक्यूमेंट चेक होंगे, ये आपकी फोटो कापी जमा की जाएंगी और ओरिजिनल आपके देखे जाते हैं डॉक्यूमेंट। फिर आपकी साइट पर जहां पर आपकी वेरीफाई हो जाएंगी, एक बार व्यक्ति देखेंगे, फिर उसके बाद आपके कंप्यूटर पर ले जाएंगे, वहां पर चढ़वाए जाएंगे नाम में सुधरा। तो आपके पास एक दिल्ली पुलिस में एक ऑप्शन होता है, सबसे बेस्ट क्या ऑप्शन होता है कि आप अगर जा रहे हो वहां पर, डॉक्यूमेंट अगर गलत नाम है आपका कहीं भी, तो आप नाम सही करवा सकते हो वहां पर साइट पे जाके। आपके जैसे फार्म भरा ना, फार्म में गलती हो जाती है, कई बार हो गई होगी बहुत सारे बच्चों की, तो वहां पर जाके आप सही नाम करा सकते हैं, करेक्शन करा सकते हैं वहां पर जाकर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक सुविधा होती है, ये जरूर ध्यान रखें, सुविधा बहुत अच्छी है। जैसे SSCGD में अगर आपका नाम गलत हो गया उसमें, SSCGD में, तो कोई दिक्कत, कोई सुधारने वाला नहीं, आपको बाहर कर दिया जाता है। लेकिन दिल्ली पुलिस में ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय आप जब कंप्यूटर की साइट खुलती है, वहां पर चेक होता है क्या नाम है, क्या पता है, क्या सब कुछ है, पिता का नाम, माता का नाम, तो उसमें आप सही करा सकते हैं, जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो अपने अगर जिस व्यक्ति का लाइसेंस नहीं है, अच्छे नंबर बनने हैं, लगभग लगभग 65+ नंबर बनने हैं, मेल की बता रहे हैं, फीमेल की अगर 60+ नंबर बनने हैं, तो फीमेल का तो जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस लगता नहीं है, और मेल की बताया ड्राइविंग लाइसेंस लगता है, जिसके 65+ नंबर बनना है, तो अपनी तैयारी मतलब कि कर लें, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें, उसकी तैयारी कर लें, ड्राइविंग लाइसेंस लाइनिंग अभी डाल दें, महीने भर बाद आपका परमानेंट हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो अभी से तैयारी करें, अगर आप सोचेंगे जब रिजल्ट आएगा तब करेंगे तो कुछ नहीं होता है, जरूर ध्यान रखें, ठीक। इसी प्रकार से हम वीडियो लाते रहेंगे, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।